श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। बोनी और श्रीदेवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने से कतराते नहीं थे। हम आपको श्रीदेवी और उनकी लव स्टोरी से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। श्रीदेवी जब एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही थी तो इस दौरान वो एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के काफी करीब आ गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने गुपचुप शादी भी रचा ली थी, जिस दौरान मिथुन और श्रीदेवी का अफेयर जोरों पर था। उन्हीं दिनों श्रीदेवी ने निर्माता बोनी कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया साइन की थी। खबरें आई कि श्रीदेवी बोनी कपूर के करीब होती जा रही है। जब मिथुन तक ये बात पहुंची तो वो बेहद नाराज हुए और इसके बाद मिथुन को यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर की कलाई पर राखी तक बांध दी थी। ये बात बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर ने खुद सैवी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। बोनी कपूर श्रीदेवी की तमिल फिल्म देखने के बाद उनके दीवाने हो गए थे और वो हर हाल में श्रीदेवी के साथ काम करना चाहते थे। कहते हैं जब श्रीदेवी की मम्मी उनके लिए 10 लाख फीस मांगा करती थी तो बोनी कपूर 11 लाख दिया करते थे। उन दिनों वैनिटी वैन भी नहीं होती थी, लेकिन बोनी कपूर श्रीदेवी के लिए खास तौर पर मेकअप रूम का इंतजाम करते थे। इसी वजह से श्रीदेवी ने बोनी कपूर के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन जब श्रीदेवी मिथुन की करीब चली गई तो बोनी ने कदम पीछे खींच लिए और मोना कपूर से शादी कर ली। श्रीदेवी अपनी मम्मी के बेहद करीब थी। श्रीदेवी के साथ हमेशा फिल्म सेट पर उनकी मम्मी या बहन साथ जाया करती थी और श्रीदेवी ने ही सेट पर मम्मी को ले जाने का कल्चर शुरू किया। कहते हैं कि प्रोड्यूसर को हर छोटी बड़ी बात के लिए श्रीदेवी की मम्मी से ही परमिशन लेनी पड़ती थी। साल 1995 में श्रीदेवी की मां का न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के एक हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ये ऑपरेशन ब्रेन की गलत साइड पर कर दिया गया और श्रीदेवी की मम्मी की मौत हो गई। इसके बाद श्रीदेवी पूरी तरह टूट गई थी। कहते हैं कि इन दिनों बोनी ने श्रीदेवी को आर्थिक तौर पर भी काफी मदद की। मुश्किल हालात का यही वो दौर था जब श्रीदेवी बोनी कपूर के और करीब आ गई। बोनी कपूर के शादीशुदा होने के बावजूद श्रीदेवी उन्हें प्यार करने लगी थी।